नमस्कार, मैं बेनजीर हाशमी और स्वागत करती हूं आपका देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा की खास खबरों से पहले बात करेंगे देश भर की कुछ ताजा सुर्खियों की। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी पहला जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा, कल डल झील के किनारे करेंगे योग। तमिलनाडु में जहरीली शराब से अब तक हुई 34 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी, कलेक्टर एसपी हटाए गए, वही घटना की जांच सीआईडी को सौंपी गई। दो दिन पहले हुआ यूसीजी नेट एग्जाम हुआ रद्द, पेपर में गड़बड़ी के शक के चलते केंद्र का बड़ा फैसला, एग्जाम की जांच सीबीआई को सौंपी गई। यूपी के 30 जिलों में आंधी बारिश से 4 लोगों की हुई मौत, वहीं बलिया में हुई सबसे ज्यादा बरसात, इसके अलावा 5 जिलों में प्री मानसून हुआ एक्टिव। नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी के बाद एक बार फिर री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड हुए जारी, ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को होंगे एग्जाम, वही 30 जून को आएगा रिजल्ट। नीतीश कुमार को हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका, आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ाने का आदेश हुआ रद्द। तेलंगाना के विधायक महिपाल रेड्डी के घर पर पड़ा ईडी का छापा, अवैध खनन से जुड़ा है मामला। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की, तो सेंसेक्स में 250 अंक से ज्यादा की रही तेजी, ये 77,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा, वहीं मेटल और बैंकिंग शेयर में रही ज्यादा बढ़त। आज बात करें सोने चांदी के रेट की, तो सोना चांदी के दामों में रही तेजी, 10 ग्राम सोना 72,440 का हुआ, तो वही चांदी फिर 92,000 रुपए के पार निकली। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां, बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार के दौरे पर रहेंगे, वहीं इस दौरान वह हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। दरअसल हिसार एयरपोर्ट का 2018 में फेज वन का काम शुरू हुआ था, इसके बाद तेजी से काम करते हुए अब 10,000 फीट लंबे रनवे का काम पूरा हो चुका है। बताते चले कि हिसार एयरपोर्ट के फेज दो का काम पूरा होने के साथ ही 10,000 फीट लंबे रनवे, उसके साथ बने टैक्सी वे सहित 3,018.45 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। बता दें आज शाम वह हिसार पहुंच जाएंगे और शुक्रवार को हिसार में ही रहेंगे, जहां एयरपोर्ट पर उद्घाटन के साथ वह भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभय चौटाला फरीदाबाद कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां कार्यकर्ता को संबोधित किया। दरअसल अभय चौटाला ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और तो और उन्होंने ये तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी से अभी जल्द ही 3-4 और बड़े नेता अलविदा कहने वाले हैं और कांग्रेस में बहुत बड़ी भगदड़ मचने वाली है। साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, ये इंडिया गठबंधन को वोट दिया गया है, अगर कांग्रेस अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती तो इसकी सफाई हो जाती। देखिए इस खास रिपोर्ट में। 3-4 और सीनियर नेताओं की चर्चा है कि ये लोग भी बहुत जल्दी कांग्रेस को अलविदा करेंगे, केवल ये नहीं करेंगे, कांग्रेस में बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी और जिस लोकसभा के चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, ये एनडीए को, इसको इंडिया गठबंधन को वोट मिला है, ना कि कांग्रेस का। कांग्रेस अकेले अपने बलबूते पे चुनाव लड़ती तो इसकी सफाई हो जाती, ये तो इंडिया गठबंधन के नाम का वोट था, इसलिए इनके 5 मेंबर पार्लियामेंट जीत करके आगे। अगर इंडिया गठबंधन गैर कांग्रेस और गैर भाजपा के कैंडिडेट खड़ा करते तो 10 के 10 हमारे जीतते, कोई नहीं रोक। हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों की ईवीएम की चेकिंग होगी। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी है, साथ में ये भी बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार की शिकायत पर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुके हैं, वही कांग्रेस प्रत्याशियों ने ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है, इसके बाद चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी है। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चेकिंग को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीटों की ईवीएम की चेकिंग की अनुमति दे दी है, ये दोनों सीटें भाजपा ने जीती थी, इन लोकसभा सीटों से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम में गड़बड़ी होने की आशंका जाहिर की थी, जिसके बाद आयोग ने इन दोनों लोकसभा क्षेत्र के ईवीएम की जाँच की अनुमति प्रदान कर दी है।
बताते चले कि करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजे और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप चुनाव हार गए थे। दोनों कांग्रेस प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम में गड़बड़ी होने की आशंका बताई थी। चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज कर कहा कि हरियाणा की करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीट की ईवीएम की चेकिंग का अनुरोध मिला है। नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सरकार के खिलाफ पूरे देश में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की करनाल इकाई ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आप नेताओं ने मांग की है कि नीट एग्जाम घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में की जाए। आम आदमी पार्टी के नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं इसी बीच आज आम आदमी पार्टी के करनाल इकाई ने जिला सचिवालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया, केंद्रीय सरकार मंत्री का इस्तीफे की मांग की। आप नेताओं ने कहा कि इस साल 5 मई को देश भर में 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर नीट की परीक्षा आयोजन हुई थी। इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्र छात्राओं शामिल हुए थे। 4 जून को रिजल्ट जारी किया गया, जहां हर साल एक या दो टॉपर होते हैं, वही इस साल कुल 67 टॉपर हैं और इन सभी को 720 में से 720 अंक मिले हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा के एक सेंटर से 6 टॉपर्स होने की बात सामने आई है। इसके बाद कई सेंटर से पेपर लीक होने की भी खबरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में जिला महिला अध्यक्ष समेत आप पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।